बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोहम्मद ज़ियाउल हक खान नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद, 26वें आइनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का सियासी मुलाकातों का मरकज़ बन गई। 26वीं आइनी तरमीम का मामला, PTI वफद के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, वफद में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम, राजा असद कैसर शामिल, सेनेटर अली जफर और सिंध इत्तेहाद कौंसल के चेयरमैन हामिद रजा भी वफद में शामिल थे। मुलाकात में 26वीं आइनी तरमीम पर तबादला ख्याल। तो जिस तरह कानूनसाजी कर रहे हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करना, उठाना, गालिश देना, ये कानूनसाजी के नाम पे बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये जमहूरियत शेम डेमोक्रेसी है, हम इसकी मजम्मत करें। अच्छा, ओके, एवरीथिंग। मैं एक बात करना चाहता हूँ जी शिराजी जी, जी एक बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी MNA और सेनेटर ने पार्टी की खिलाफ वर्जी की, पार्टी के खिलाफ वोट दिया, इमरान खान के साथ दगाबाजी की, तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि उसका सोशल बायकॉट करे, क्योंकि वो अगर जो भी एक्सक्यूज़ बनाएगा वो झूठ होगा, क्योंकि उसको बताया गया, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई, इसके बावजूद अगर वो इस किस्म का कोई हरकत करता है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ। आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि खान जो है वो महफूज कर लिए, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने किया, मैं वही अगर कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।